आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है गीत खरगोश। भवानी प्रसाद मिश्र नई काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं और इनके ऊपर गांधीवाद का बहुत गहरा प्रभाव था, इसलिए इन्हें गांधीवादी विचारधारा का भी कवि कहा जाता है। और उनकी यह कविता जो गीत फरोश कविता है, उनके संग्रह गीत फरोश से ही ली गई है। यह जो संग्रह है गीत फरोश, वह 1956 में प्रकाशित हुआ था और उसी संग्रह की यह इतनी महत्वपूर्ण और चर्चित कविता बनी कि इसी के नाम पे उस संग्रह का भी नाम गीत फरोश रखा गया है। कविता पर आने से पहले और कविता का पाठ करने और कविता की व्याख्या करने से पहले हमें इसके शीर्षक पर और कविता की रचना प्रक्रिया पे बात कर लेनी चाहिए। गीत फरोश, फरोश का अर्थ होता है बेचने वाला, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो गीत फरोश को जब हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गीत बेचने वाला, ठीक है। आ गया समझ में। कविता की जो रचना प्रक्रिया है, कविता लिखने की जो पृष्ठभूमि है, उसका कारण यह था कि भवानी प्रसाद मिश्र का जो संबंध था वो फिल्मी दुनिया से भी था, ठीक है। और कवि इस कविता में एक आत्मस्वीकृति स्वीकार कर रहा है कि कैसे विवशता में और मजबूरी में उसे अपने गीत बेचने पड़े। इसका वह आत्मस्वीकार करता है कि पूंजीवाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे, जो कि आगे बढ़ता ही जा रहा है, कि एक कलाकार को भी, एक साहित्यकार को भी, एक रचनाकार को भी अपनी रचनाओं को रचना के लिए नहीं लिखना पड़ता है। कला का सृजन वह कला के लिए नहीं करता है, मजबूरी में कला का सृजन वो इस बात के लिए करता है कि उस कला को वह बेचकर, उस रचना को वह बेचकर जीवन की जो डगमगाती नैया है, जो खराब आर्थिक स्थिति है, उससे वह पार पा सके। यह है इस कविता की भावभूमि। कविता हंसाती है, देखने में लगता है कि बहुत सरल है, बहुत स्पंदित फुदकती हुई कविता है, लेकिन इस कविता में एक व्यंग है, एक तीक्ष्ण कटाक्ष है अपने समय के ऊपर और पूंजीवाद का जो गहरा प्रभाव है हमारे समाज के ऊपर, उस प्रभाव ने कैसे हर एक चीज को बिकाऊ बना दिया है, कैसे कला कला के लिए नहीं, कला सृजन के लिए नहीं, मजबूरी में कला को बेचने के लिए कलाकृति करनी पड़ती है, रचनाकार को लिखना पड़ता है, इस कविता की भावभूमि। और स्वयं इस कविता की पृष्ठभूमि के बारे में गीत फरोश में भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि गीत फरोश शीर्षक की मेरी कविता जो हंसाने वाली कविता है, उसे मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। और कारण क्या था कि मेरी बहन की शादी थी। किसकी बहन की शादी? मेरी बहन की शादी नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र के बहन की शादी थी और उस शादी के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि पैसे को मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, लेकिन बीच बीच में पैसा मुझे ये बताता रहा है कि उसका क्या महत्व है। और बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे और इसी कारण मजबूरीवश उन्हें अपने गीत बेचने पड़े। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी और बहन की शादी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और उसी समय कलकत्ते में बन रही फिल्म के लिए मुझे गीत लिखने पड़े। तो मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैंने फिल्म के लिए गीत लिखे, क्योंकि गीत बहुत अच्छे लिखे, दुख इस बात का है कि वो सृजन को मैंने बेचने के लिए लिखा था। और वो आगे कहते हैं कि कलाकार कोई कला बनाए, सृजन करे, साहित्यकार कोई सृजन करे, और सृजन के बाद कोई उसका कोई मोल दे दे तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन बेचने के उद्देश्य से ही वह सृजन करे, यह बात साहित्यकार को और कवि को दुख देती है। आई बात समझ में ना। कला कला के लिए आपने बनाया तो कोई बात नहीं, उस पर कोई अगर आपकी इस कला को कोई महत्व देता है, उसे खरीदता है, तो अलग बात है, लेकिन बेचने के लिए ही वो कला बनाई जा रही है, बेचने के लिए ही वो कृति की जा रही है, यह बात उन्हें बहुत तकलीफ देती है। और उसी मजबूरी, उसी व्यवस्था को केंद्र में रखकर
भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कविता लिखी है और आत्म स्वीकृति भरे शब्दों में, कहीं कहीं व्यंग है, कहीं कहीं पीड़ा है, कहीं कहीं झुंझलाहट है, ये पूरी कविता हमारे सामने प्रकट होती है। आगे बात समझ में, कविता की भाव भी समझ में आ गई, ठीक है। अब हम कविता में प्रवेश करते हैं, ठीक है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। सीधे साधे सपाट शब्दों में, आत्म स्वीकृति भरे लहजे में कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मुझे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मेरे पास गीतों की विविधता है, जैसे कोई फेरी वाला, जैसे कोई सामान बेचने वाला सामान बेचने के लिए आपके दरवाजे पे आता है और वो तरह तरह के सामान दिखाकर आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है और सामान बेचने का सारा उद्यम करता है, वही काम भवानी प्रसाद मिश्र भी कर रहे हैं। और कहा आगे, जैसे कि फेरी वाला घर पे पहुंचता है और कैसे बहुत सहजता से, सरलता से आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कहता है, जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। अपने गीतों को लेकर के पहुंचता है, कहता है कि देखिए, तब मैं दाम बताऊंगा और इसके क्या क्या काम है, क्या क्या उपयोग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, कुछ गीत मस्ती के हैं, आनंद के हैं ना, कुछ थकान के हैं, दुख के हैं, परेशानी के भी हैं। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। यह लीजिए, जैसे कि फेरी वाला अपने सामान की तरह तरह वैरायटीज दिखा रहा है, जैसे साड़ी वाला साड़ी लेके आ गया आपके घर पे और साड़ियों के कई सारे प्रकार दिखा रहा है, कोई कांजीवरम, कोई सिल्क की साड़ी, कोई सूती की साड़ी, कोई कॉटन की साड़ी, और कह रहा है ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और सबकी अलग अलग खासियत बताता है। वैसे ही कवि कहता है कि यह गीत सख्त सिरदर्द भुलाएगा, ये लीजिए, अगर आपको सिरदर्द है, सिरदर्द खत्म करना है तो इसके लिए मेरे पास गीत है, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। पिया अगर परदेश रहता है तो ये गीत लीजिए, इस गीत को गाने से पिया आपका वापिस परदेश से आ जाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। कहा कि शुरू शुरू में आत्म स्वीकृति भरे शब्दों में कहता है कि मुझे शर्म लगेगी, क्या मैं अपनी रचना को बेचने के लिए रच रहा हूं। लेकिन फिर अक्ल जगी मुझको, फिर समझदारी आई, और इसमें व्यंग करते हुए बाजारीकरण के प्रभाव को वो दर्ज कर रहा है कि किस तरह से बाजारीकरण के प्रभाव में लोग तो सब कुछ बेच रहे हैं, तो मुझे ये ध्यान गया कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों शर्मा रहा हूं, क्यों, क्योंकि लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। वह आक्रोशित होकर कहता है, व्यंग भरे लहजे में कहता है कि लोगों ने तो अपने ईमान तक बेच दिए, मूल्य तक बेच दिए, ऐसे में मैं तो गीत ही बेच रहा हूं ना, मैं तो कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसमें एक आक्रोश है, एक पीड़ा है, एक झुंझलाहट है, एक तंज है। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूं, जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। और अंत में फिर गहरी आत्म स्वीकृति के साथ कहता है कि मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं अपने गीत बेचता हूं और उन गीतों को बेचने के लिए ही लिखता हूं, इसीलिए मेरे पास गीतों की विविधताओं का इतना सारा संसार है, जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। जब वो कहता है जी हां हुजूर, उसमें एक प्रत्युत्तर है। मैं आपसे कहूं कि क्या आपने गलती की है, जी हां मैंने गलती की है, अगर आपका ये उत्तर है तो आप अपनी उस गलती के प्रति विश्वास से भरे हुए हैं। आई बात समझ में। मैं आपसे कहूं कि क्या आपने ऐसा किया है, जी हां सर मैंने ऐसा किया है। जब आप कहते हैं तो आप अपने किए गए काम को लेकर किसी तरह से लज्जित नहीं है, किसी तरह से परेशान नहीं है, ये जी हां हुजूर का कहना उसी भाव की तरफ संकेत कर रहा है कि तमाम तरह के संकोचों को अब वह त्याग चुका है, क्योंकि बाजारीकरण के दौर में कवि को ये बात समझ में आ रही है कि जिंदा रहने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संभव है कि उसे अपने अपनी कला को भी बेचना पड़ रहा है। आगे बात समझ में, आगे बढ़े।
फिर लिखा, यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढहा कर देखें, यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था। जिस तरह कोई फेरी वाला विक्रेता अपने सामान की अलग अलग विशेषताएं बता करके ग्राहक को आकर्षित करता है, उनको केंद्रित करता है अपने विषय पे, वैसे ही कवि कहता है, ये देखिए सुबह अगर गाना चाहते हैं, सुबह का माहौल अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने गीत लिखे हैं। यह गीत गजब का है ढहा कर देखें, यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था। कोई गीत वह सुनेपन में एकांत में लिखता है, उसकी बात करता है, फिर वो कहता है कि यह गीत ऐसा है जिसे मैंने पुणे शहर में लिखा था। ये भी आप देख सकते हैं, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाई से बढ़ जाता है। मेरे पास ऐसे भी गीत हैं कि जिसे गाते हुए आप पहाड़ियों की दुर्गम चोटियों पर चढ़ सकते हैं, चढ़ते रहिए, है ना, थकेंगे नहीं, गीत गाते हुए चलते रहिए, यह गीत बढ़ाई से बढ़ जाता है। मेरे पास एक गीत ऐसा भी है जिसे अगर आप बढ़ाना चाहो, फैलाना चाहो, तो फैल जाए। यहां कला कला नहीं है, गीत गीत नहीं है, वह एक सामान, एक वस्तु में तब्दील हो चुका है। इसलिए कवि उसके तमाम सारे संदर्भों में उसकी अलग अलग विशेषताएं बता रहा है। आई बात समझ में? कहा, यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। अगर आप गरीब हैं और आपको अपनी भूख मार देनी है, भूख को खत्म कर देनी है, तो यह ऐसा गीत मेरे पास है जो आपकी भूख और प्यास दोनों को क्या करेगा, भगा देगा। लेकिन इसके उलट मेरे पास ऐसा भी गीत है जो मसान में भूख जगाता है। मसान कहते हैं शमशान को, कि शमशान घाट में भी भूख जगा दे। शमशान में भला किसे भूख लगती होगी, सब तो वहां दुख से जाते हैं, दर्द से जाते हैं, लोगों को मुखाग्नि देने जाते हैं। लेकिन कहा कि मेरे पास ऐसी भी विशेष गीत है कि शमशान घाट में भी इस गीत को गाने से आपके भीतर भूख पैदा हो सकती है। जी यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। भुआली की हवा मतलब पर्वतीय प्रदेश में चलने वाली जो हवा होती है उसे भुआली की हवा कहते हैं। यह गीत इस तरह का है कि भुआली की हवा जैसा एहसास आपको देगा, और तपेदिक, अगर तपेदिक की बीमारी है आपको, तो उसकी दवा भी मेरे गीतों में मौजूद है। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। सीधे साधे गीत है, और अगर चाहिए कि अटपटे गीत, तो वो अटपटे गीत भी मेरे पास मौजूद हैं। मैं गीत बेचता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे खरीद सकते हैं। आगे बात समझ में? आगे कहा, जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। कहा कि क्या आपको ये सारे गीत पसंद नहीं आए? जैसे फेरी वाला विक्रेता अपने इतने सारे सामानों को बिखेरता है, और उसमें भी अगर ग्राहक को पसंद ना आए तो और विकल्प के बारे में कहता है, आपको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं कुछ और दिखाता हूँ। वो दृश्य आपके, आप उस दृश्य की आप कल्पना करें, कहता है कि वैसे ही और दिखाता हूँ आपको, अगर आप सुनना चाहें, ठीक है, तो सुना भी देता हूं। आप जींस की दुकान, जींस खरीदने जाते हैं दुकान में, और आपको पसंद नहीं आता है, तो कई बार ग्राहक, अरे पहन के देखिए बहुत सुंदर लगेगा, पहनिए, कोई पहनने के कोई दाम नहीं लूंगा मैं, कहता है ना, वो आपको इंसिस्ट करता है, ठीक है ना, कि किसी ना किसी तिकड़म से, किसी ना किसी उपाय से आप उसे खरीद लें। वैसे ही कहा, अगर आप सुनना चाहें तो गाता हूं, जी छंद और बेछंद पसंद करें। छंद वाले गीत चाहिए वो भी मेरे पास हैं, बिना छंद के छंद मुक्त गीत चाहिए वो भी मेरे पास हैं, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। मेरे पास कुछ अमर गीत भी हैं जो कभी मरने वाले नहीं हैं, और ऐसे भी गीत जो आप गाएं और तुरंत खत्म हो जाएंगे, ऐसे भी गीत मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पे ऐसे समझिए कि कुछ सदाबहार नगमे होते हैं ना, पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, हम उसे आज भी सुनते हैं, ठीक है, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आते हैं, मौसमी होते हैं, 2 महीने 4 महीने रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं। वैसे ही कहा कि हर तरह के गीत मेरे पास हैं। न बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूं और कलम, कलम और दवा। और कहा कि ग्राहक अगर
ग्राहक को पसंद ना आए, इसमें से भी कोई गीत पसंद ना आए, तो खुद को दिलासा दिलाता है और ग्राहक से कहता है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि आपको ये सारे गीत पसंद नहीं आए, मेरे पास कलम और दवात दोनों हैं ना, अगर आपको इनमें से भी कुछ नहीं भाया तो आप कहिए, मैं नया गीत लिख देता हूं। इन दिनों का दुहरा है कवि धंधा, है दोनों चीजें व्यस्त कलम और कंधा। कहा कि यदि नए गीत नहीं चाहिए तो पुराने लिख देता हूं, है ना। कवि कर्म दोहरा है, ठीक है ना, दोनों काम मैं कर सकता हूं, ठीक है। मैं एक इसका संदर्भ ये भी है कि कवि ये कहना चाहता है कि मैं सिर्फ साहित्यकार और कवि भी नहीं हूं, मैं विक्रेता भी हूं, ठीक है। मैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं बेचने के लिए भी लिख रहा हूं। तो दोनों चीजें, कवि कर्म भी है और उस कवि कर्म का धंधा भी है। आई बात समझ में, जो सृजन कर रहा हूं उसको मैं बेच भी रहा हूं। है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूं, जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं। इन पंक्तियों में कवि जीवन की विषम परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण करता है, जिसमें वो इस बात का आभास कराता है कि हर परिस्थिति में वह इतना मजबूर है, इतना विवश है कि हर हाल में उसको अपने गीत बेचने हैं, और यही उसकी व्यवस्था है, यही उसकी ट्रेजेडी है कि वह अपनी कला को, वह अपनी रचना को रचना के लिए नहीं, बेचने के उद्देश्य से लिख रहा है। इसलिए वो सारे उपक्रम करता है, सारे उपाय करता है, जैसा कोई सिद्ध हस्त फेरी वाला, बहुत कुशल बेचने वाला विक्रेता, जैसे सारे उपाय करके अपने ग्राहकों को उस सामान खरीदने पे विवश कर देता है, वैसे ही कवि अपने गीतों को बेचने के लिए सारे तरह के तिकड़म, सारे तरह के संवाद और सारे तरह के तर्कों का इस्तेमाल करता है। आई बात समझ में। आगे कहा, जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं, यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है यह बादी का। ठीक है, जन्म के गीत लिखने हैं तो लिख दू, मरण के गीत लिखने हैं तो लिख दू, जीत के गीत लिखने हैं तो लिख दू, शरण ना वचन, मतलब वचनावली, संत वचन, संतों के वचन होते हैं दक्षिण भारत में, अगर उसके उस गीत वैसे गीत चाहिए, वचनों वाले गीत चाहिए, वो मैं लिख दू, यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है यह वादी का, अगर रेशमी गीत चाहिए तो लिख दू, खादी के गीत चाहिए तो लिख दू, मेरे पास बीमारी के भी गीत हैं और दवा का भी गीत है। कहने का मतलब है कि कवि अपने गीतों को गीत साधना और कला नहीं, तमाम तरह की वस्तुओं के उदाहरण से प्रस्तुत कर रहा है, और ये सारी वस्तुएं, ये सारी चीजें क्या है, बिकाऊ है, ये सारी चीजें क्या है, बिकने वाली है। इसलिए वह आत्मस्वीकृति के साथ आगे कहता है, कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी, यह लीजिए चलती चीज नई फिल्मी, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का जी गीत, जी नहीं दिल लगी की इसमें क्या बात। अगर आपको, मेरे पास नए नए डिजाइन भी है, फिल्म भी है, तरीका भी है नए गीत लिखने का, अगर आप फिल्मी गीत चाहिए, नई चलती हुई कोई गीत चाहिए तो उसके लिए भी मेरे पास गीत हैं। अगर आप सोच सोच कर मर जाना चाहते हैं तो सोच सोच कर मत मरिए, मेरे पास उसके लिए भी गीत है, उसे गाइए और मर जाइए, ठीक है। और यह दुकान से घर जाने का, दुकान से अकेले क्यों जाना, मेरे पास गीत है, गुनगुनाते हुए जाइए, ठीक है। यह जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, और खुद ही कहता है, जैसे खरीदार उससे कह रहा हो कि ये क्या बात हुई, क्यों दिल लगी कर रहे हो ऐसी बातें कह के, तो उत्तर भी देता है कि इसमें दिल लगी की कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई दिल लगी नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में मेरे पास ऐसे गीत हैं या सच में मैं ऐसे गीत लिख सकता हूं। यहां कवि की उस व्यवस्था का रूप देखिए या व्यंग देखिए कि कैसे वह विवश है हर परिस्थिति में हर तरह के गीत लिखकर किसी तरह से जीवन बिताने के लिए, और इसके लिए वह हर तरह के गीत लिखने के लिए तैयार है, हर तरह की परिस्थितियों में अपने गीत को बेचने की उसकी जो व्यवस्था है उसका जीवंत चित्रण कवि ने यहाँ पे किया है। ठीक है, लिखता ही तो रहता हूं दिन रात,
तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूं। जैसे फेरी वाला किसी न किसी प्रकार से अपना सामान बेच देना चाहता है, वैसे ही भवानी प्रसाद मिश्र अपने गीतों को किसी न किसी तरह से बेच देना चाहते हैं। जैसे फेरी वाला कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, यही तो काम है मेरा, मैं बेचता ही तो रहता हूं, ठीक है। तो वैसे ही ये कहते हैं कि तरह तरह के गीत बन जाते हैं क्योंकि मैं दिन रात लिखता रहता हूं, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। कई बार गीत लिखते लिखते गीत बनते नहीं, गीत रूठ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बन जाते हैं क्योंकि मैं लिखना छोड़ता नहीं हूं। जी बहुत देर लग गया हटाता हूं, जैसे गीतों की ढेरी लग गई हो, जैसे फेरी वाले साड़ी की ढेरी लगा देता है, सामान की ढेरी लगा देता है, वैसे ही वो कहता है कि जैसे लगता है कि गीतों की ढेरी लग गई है, कोई बात नहीं मैं हटा देता हूं, ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूं। और अगर आप कहते हैं कि चले जाइए तो भी कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे दरवाजे पे चला जाता हूं, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूं। और जाने से पहले फिर क्या कहता है, कोई बात नहीं आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन एक और देख लीजिए। आप देखते हैं ना, कोई बहुत कुशल विक्रेता आता है तो वैसे ही करता है, कई बार तो ये तक कह देता है कि कोई बात नहीं आप मत खरीदिए, देखने का क्या है, देख तो लीजिए, ऐसा कहता है ना। लेकिन उसे मालूम है कि जब मैं दिखाऊंगा तो संभव है कि ये खरीदा जा सकेगा, तो वैसे ही कहा कि कोई बात नहीं अंतिम एक और दिखा लेता हूं, उसे आप देख लीजिए, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। ये भी कहा, आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, अंदर जाकर देखिए, उन्हें दिखाइए, परिवार वालों को दिखाइए, क्या पता उनमें से किसी को पसंद आ जाए। यानी कि गीत को बेच देने की बेचैनी, और ये बेचैनी क्यों है, परिस्थितियों से पैदा हुई बेचैनी, कोई रास्ता नहीं है, इतनी गहरी आर्थिक बदहाली है रचनाकार के पास कि वह बहुत दुखी मन से अपनी कला का सौदा करता है और उसका दर्द अंत में झलकता है, कहता है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं, जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं। और अंत में सच्चाई के साथ इस बात को स्वीकारा कि ये पाप है, अपने अपनी कला का सौदा करना, अपने सृजन का सौदा करना, या सौदे के लिए कला का निर्माण करना, सौदे के लिए सृजन का निर्माण करना कवि को बहुत पाप कर्म लगता है, लेकिन उसके पास व्यवस्था है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह कहता है कि मैं मजबूर हूं, मैं लाचार हूं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इस आर्थिक बदहाली से निकलने के लिए मुझे अपनी कला का सौदा करना ही पड़ रहा है। और अंत में फिर वह कहता है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। स्पष्ट है? Yes, sir. जहां तक कविता की शिल्प पक्ष का संदर्भ है तो बहुत सीधे और सरल शब्दों में अभिधा गुण विद्यमान है, ठीक है, कि सीधी सीधी बात कवि यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, और एक लयात्मकता है कविता में, प्रवाह है, और कविता में प्रसाद गुण विद्यमान है कि कविता सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में समझ में आ जाती है। ऐसा लगता है कि कविता में एक दृश्य बिंब है, चित्रात्मकता है, चित्रात्मक शैली में लिखी गई कविता है, और कविता में जैसे कि कोई कहानी भी है, कोई एक प्रवाह भी है कहानी का भी, कविता को पढ़ते पढ़ते एक फेरी वाले की कहानी और उसका पूरा चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। आई बात समझ में? Yes, sir. से कर लेंगे अब आप लोग? Yes, sir. ठीक है।